में वर्तमान समय में हम लोगों ने आरआरबी पे भरोसा करके पेपर देने की कोशिश की, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले धांधली होती थी आज भी उसी तरह धांधली हो रही है। अगर कुछ डीले हो भी रहा है तो उनके पास कोई नोटिस नहीं हमको दिखाने के लिए। कोई भी साक्ष्य नहीं है इनके पास दिखाने के लिए कि इस वजह से पेपर खराब हो रहा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज वायरल है एग्जाम को लेकर गुस्साए छात्रों का वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो शेयर किया है समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने, और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड पर, क्योंकि आरआरबी का ये एग्जाम था जो कि एसआई के लिए था आरपीएफ में, लेकिन इस एग्जाम को देने के लिए जब अभ्यर्थी पहुंचे तो पता चला कि टाइम जो है उसे काफी देरी किया गया, लेट से एग्जाम शुरू करने की बात जो है सामने आई है। देखिए जरा इस वीडियो को। चलिए सब लोग बोलिए। वर्तमान समय में हम लोगों ने आरआरबी पे भरोसा करके पेपर देने की कोशिश की, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले धांधली होती थी आज भी उसी तरह धांधली हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में भी ये जिस तरह का ये जो आपका फ्रॉड कर रहे हैं फ्रॉड हो सकता है। 9 बजे का सर्वर पे आरआरबी के थ्रू पेपर आ चुका है। सिस्टम इनका खराब है, 10 बज चुका है, एक घंटे में पेपर नहीं, सिस्टम चालू नहीं, चोरी हो सकती है और हमें पूरा शक है कि हो रहा है। अगर कुछ डिले हो भी रहा है तो उनके पास कोई नोटिस नहीं हमको दिखाने के लिए। हम क्या माने, क्यों लेट हो रहा है? कोई भी साक्ष्य नहीं है इनके पास दिखाने के लिए कि इस वजह से पेपर खराब हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर सारनाथ इंस्टीट्यूट, आप देख लीजिए। देखिए, इन बच्चों की शिकायत आप देखिए, और बच्चे के एक बच्चे को मारा गया, उसका एडमिट कार्ड फाड़ दिया गया, आधार कार्ड फाड़ दिया गया, मार के इनका एडमिट कार्ड देख के फाड़ दिया गया। और ये सेंटर है बनारस सारनाथ का जो है आईएचएमसी है, आज आईएचएमसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। जा रहा है कि ऊपर पेपर हो रहा है, लेकिन ऊपर कोई सिस्टम नहीं, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बोल रहा है ऊपर लैब में पेपर हो रहा है, नीचे लैब में पेपर नहीं हो रहा, सर्वर इशू, ऊपर पेपर हो रहा है, टाइम धोखे में कम से कम इस वीडियो के साथ मनोज काका लिखते हैं कि बनारस में आरपीएफ एसआई ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र विलंब करने का आरोप है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, सरकार संज्ञान ले। और अपने इस पोस्ट के साथ उन्होंने टैग किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों का काफी गुस्सा है, और वो वीडियो बनाकर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि वो एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंच गए, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट होना था उसे जो है लेट किया गया है। और साफ तौर पर आपको बता दें, ये जो भर्ती थी ये रेलवे भर्ती बोर्ड की रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव भर्ती की परीक्षा थी, जिसका आयोजन 2 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुकी है, और इस भर्ती की परीक्षा 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर को होगी। इसके लिए पैटर्न की बात करें तो आरआरबी आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता है यानी कि सीबीटी में होती है, और इसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके जवाब 90 मिनट में देने होते हैं। लेकिन यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एग्जाम ही जो है वो लेट शुरू किया गया, और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है चर्चा बनी रहती है। हालांकि आपको बता दें कि आरआरबी का इस वीडियो को लेकर या इन तथ्यों को लेकर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। दूसरा वीडियो हमारा संबंधित है अखिलेश यादव से। जी हाँ, अखिलेश यादव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, जिसमें अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा जाता है कि अजमेर शरीफ पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा वालों को जो है पदयात्रा निकालनी चाहिए कैलाश पर्वत तक और मानसरोवर तक, और जो है वहां जाकर जो है इसे अपना कहना चाहिए। इस वीडियो को शेयर किया है, और शेयर कर समाजवादी पार्टी के लोग ही इसे काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के महासचिव जो अवनीश कुमार यादव इस वीडियो को शेयर कर लिखते हैं कि बीजेपी के लोगों को मानसरोवर और कैलाश पर्वत भी जाना चाहिए, वहां तक की यात्रा भी करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास मानसरोवर और कैलाश पर्वत हम सबके पास हो। साफ तौर पर एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर जो है वो पूछते हैं अखिलेश यादव से कि अजमेर शरीफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव इस पर कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि मानसरोवर क्यों नहीं जाते, कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं जाते, वहां जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि बीजेपी के लोगों को उसी तरह पैदल मार्च करना चाहिए, कम से कम हम पर कैलाश पर्वत तो होगा, मानसरोवर भी होगा। इसी पर रिपोर्टर पूछते हैं कि आप जाएंगे, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं आखिरी में रहूंगा, जब बीजेपी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी तो आखिरी में मैं ही खड़ा दिखाई दूंगा उनके साथ, सबसे आगे बीजेपी के लोग होंगे, और वो जाएं सीमा के उस पार और कैलाश पर्वत और मानसरोवर को लेकर आएं। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी जमकर जो है वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ अजमेर
में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इसके बाद से ही इस दरगाह की चर्चा चारों ओर है। इस दरगाह के सर्वे की मांग वाली याचिका भी अदालत में स्वीकार कर ली गई। इसी को लेकर यह मामला जो है काफी बड़ा, जिसके बाद से देश भर में इसकी चर्चा जो है की जा रही है। और इसी संबंधित सवाल करते हुए रिपोर्टर ने जब ये पूछा तो अखिलेश यादव ने थोड़ा टांग खींचते हुए ये जवाब दिया। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल, और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।